अस्सलाम वालेकुम। नाजी चलेंगे कराची और वहां की सूरत हाल पूछेंगे, हमारे एक दोस्त है वहां पे। जी सर, क्या चल रहा है यहाँ पे? प्यारे भाई, चल तो हर जगह जो चल रहा पूरी दुनिया को पता है, अफरा तफरी चल रही है। इस वक्त दफा 144 जिसका को मकसद हो रहा है, और मकसद की लग गई है कराची में भी, सिंध में भी ना जी। और हम भी देख रहे हैं आपके प्रोग्राम, माशाल्लाह देख रहे हैं, जिसमें सारी चीज ही मिनट मिनट की रिपोर्ट मिल रही है। सत्यानाश नहीं, सत्यानाश दर सत्यानाश हो रहा है। अच्छा ये बताइए, ये सारा कुछ गवर्नमेंट कर रही है, मगर आपके ख्याल में फिर भी लोग निकलने के लिए तैयार है? सच यह है कि हाँ, अगर बेशक इमरान खान नहीं था, जो था 3.5 साल बहुत ही खराब कर दिए, बिलफरा लगे कोरोना जैसा दौर गुजरना और संभालना, छोटा सा काम नहीं था इनके खाते में कोरोना, अल्लाह ना करे अभी आ जाए या आता अभी कोई की ये सूरत पता नहीं हाल चलता। बताएं, अभी की सूरत हाल सर बताएं, ये तो सब पता है। अभी की आज चल रहा है कि अभी यहाँ पे देखो सूरत हाल ये है कि अभी अफरा तफरी हर साइड पे अपना अपना जो हम देख रहे हैं कि जब जिस वक्त जिस जगह पे भी जब खानदानी लोग जो कमीनापन आ जाएगा, या अगर कोई खानदानी है तो उसने उसको धब्बा लगा दिया है, यूनिफॉर्म हो या उसकी और बेशुमार चीजें होती है, उसको धब्बा लग जाएगा तो किसके आगे मातम करेंगे। अभी हर बंदा हर पलदारे पे इल्जाम लगा रहा है, हर बंदा ही मुजरिम है पाकिस्तान का इस वक्त, तो पूरा पाकिस्तान ही मुजरिम है ना उस लिहाज से। कि जगह को बंदा खुदा ना हास्ता मेरी जुबान से गुला फजा निकलता है, जो नेचर मेरा और है लेकिन उसको किसी और साइड पे ले देंगे, हाँ जी फलां साहब ने तो फलां दारे के खिलाफ ये बात कर रही है, वो नेचर हकीकतन वो बात नहीं होती, लेकिन समझने वाले जो अकल अच्छा के एक वो लोग बात जो बताएं, लोग यहाँ पे ये एक बात है, जब इदारे अपना काम अगर ठीक करते, अगर मुखलसाना तौर पे कौम की खिदमत कर रहे होते, तो कोई क्यों बात करेगा इदारे के खिलाफ? सतून तो सबको पता है, सब लोगों को पता है ना कि इस मुल्क के 4 सतून है, अदारे हैं, बड़े हैं, मजबूत हैं, इनके बगैर तो मुझसे कहीं नहीं ना जा सकते। अब उन अदारों में बचा कौन सा है, मुझे आप बता दें कोई अदारा बचा हुआ इस वक्त? अच्छा ये बताइए कि कल आप क्या देख रहे हैं, जरा ये बताइए, ये बाकी बातें तो चलती रहेगी, कल क्या देख रहे हैं? कल जो इंटरनेशनल लेवल पे जो जिनकी अपनी सोच है बर्बादी तो भाई इस मुल्क की करनी है, उनको फंड मिलेगा बाहर में जाए मुल्क पाकिस्तान, लोगों को तो अपने माल से मकसद है ना, काम अच्छा से कल करता रात है को जो पुलिस फंड वाले को कहाँ मार दिया गया, वहां आप क्या देखते हैं कि पुलिस वाले की गलती या उन लोगों की? आधी रात को लोगों के घरों में जाना चाहिए पुलिस को इस तरह? से। देखो पुलिस इस वक्त जो कर रही है पंजाब पुलिस, उससे यानी बहुत ही ज्यादती की इंतहा कर दी है, जो कि कल को हर बंदे के आगे आता है इस वक्त। देखो ना जो हमने भी देखा है जस्टिस नासा इकबाल साहबा का वाकया, वो एक बच्ची है अभिजय अच्छा साहब की ये बेटी है, वो बताइए, हम दुनिया ये में लोग दो लोगों की बात कर रहे हैं, जो आम पब्लिक जो है वो कीड़े मकोड़े हैं, उनके घरों में भी तो ये सब कोई कुछ हुआ ना? कि 70% आपके जेलों में बेगुनाह बंदे जिन्हें मातम कर रहे हैं, और 2-2 हजार उनके पास जुर्माना नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी तो यहाँ पे है कि वो चूंकि अल्लाह ने एक सिस्टम ऐसा रखा हुआ है, वो पर्दे में रखा हुआ है, जो जिसको ज्यादा कवर है या दिन माचर का है, अगर सामने होता है, वैसे दुनिया में लोग दिखा के जाते हैं। सिंध की हालत मैंने पहले सौदा बताई है, अभी एक बंदा इस पूरे सिस्टम को तबाही कर रहा है, सबको तो पता है वो कौन है, जिसने यानी इसको शरत कह लो या उसको फंडक लेना या सारा काम तबाह करना, उसको किसी ने पूछा आज तक कि भाई क्यों बेड़ा कर रहा है, 10 को छोड़ो एक को पकड़ लो, अच्छा उसको आपके ख्याल में वो बंदा उसने इन लोगों को क्या पला दिया, जो ये शहबाज और नवाज और ये जो एंड कंपनी है जो उसके चक्कर में आ गए हैं? शैतान के बारे में किसको नहीं पता, उसने इनकारी किया, बात नहीं था लेकिन उसने सजदा नहीं किया, ठीक है ना, उसने मुन इनकारी की और अल्लाह ताला के साथ बोला मैं अपना मुकाबला करता रहूंगा, आज तक शैतान अपने काम करे, शैतान की ड्यूटी में शामिल है। चले उसके बाद अच्छा ये बताइए, कल आपकी सीने आपके में हौसले बुलंद है कल के लिए? हौसले नहीं, हौसले दर हौसले लोगों के बुलंद है, चले यहाँ तो ठीक हर है, बंदा जिस घर में देखो वही छोड़े आए, इमरान खान छोटा काका 3 साल के बच्चों को क्या पता है, वो भी इमरान खान, ये तो कुदरती उम्र है ना, हमारा तो किसी का तो बात ही चले नहीं है, तो अल्लाह ताला की तरफ से एक बंदे को सपोर्ट मिल रही है, हमारी को किसी की बात ही नहीं है, चले जी। जिसका कराची जन्म से बहुत इमरान खान। शुक्रिया आपका, कराची से नाज़रीन। अब चलेंगे लाहौर, लाहौर बंद है, पूरा बंद कर दिएगा? अच्छा ये बताइए, लोग जाएंगे वहां पे कि नहीं आप? देख लीजिए जो सुबह की सूरत हाल हम देख रहे हैं तो उसके मतलब
मुताबिक तुम नहीं जा सकते क्योंकि जो अपना लाहौर के जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो तमाम के तमाम कंटेनर लगा के बंद कर दिए गए हैं। आप इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि मैं अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए बजरिया मोटरवे के जरिए मैं वहां पहुंचा हूँ मोटरसाइकिल के ऊपर। अच्छा। हालांकि बड़ी जो मोटरवेज है उसके ऊपर मोटरसाइकिल चलाना अलाउ नहीं है। तो हमने वहां पे स्पेशल अपनी साफ्टी जो कार दिखाया, सारा कुछ उनसे बात की, तो फिर हम वहां से पहुंच के यहां तक आए। तमाम एग्जिट और एंट्री पॉइंट जिसके ऊपर इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले दस्ते, जीटी रोड के ऊपर जाने वाले दस्ते, मुख्तलिफ इलाकों में कंटेनर्स लगा के बंद कर दिए गए। अच्छा, ये बताइए कि आप ये सर बताए कि लाहौर के लोग फिर लाहौर में जमा हो गया? लाहौर में क्या? दोबारा सवाल कीजिएगा। मेरा सवाल ये था कि अगर वहां नहीं जा सकेंगे तो यहाँ कहीं पे उनका कोई प्रोग्राम होगा फिर इकट्ठे होने का? जी, लाहौर में 6 इलाके नॉमिनेट किए गए थे जो हमें सुबह पता लगे थे, जिसमें लिबर्टी चौक है और उसके अलावा डिफेंस का इलाका है और इसके अलावा गुलबर्ग के इलाके में है, फिरोजपुर रोड पे है। यहाँ पर ये कहा गया था कि अगर हमें रोका जाएगा तो हम इन 4 से 5 पॉइंट के ऊपर धरना देंगे। जबकि पीटीआई पंजाब के जो सदर है शफकत महमूद, उन्होंने इस बात का शाम को ऐलान किया है कि हम कल सुबह बदरिया जीटी रोड इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। तो ये भी पता चला कि भारी मशीनरी साथ तैयार की गई है जो रास्ता साफ करती जाएगी? सीधे है इनके साथ मौजूद है, बल्कि लावी के पुल के ऊपर जब एक दफा जुलूस आया तो उन्होंने अफराद ने धक्का लगा कर तो कंटेनर को पीछे कर दिया, उसके बाद वहां से आगे गुजर के चले गए। अच्छा, ये बताइए सर कि पुलिस जो है वो सुनने में आ रहा है कि वो हो सकता है कल इमरान खान के साथ मिल जाए, कोई इस तरह की बातें आप भी सुन रहे हैं वहां पे? देखिए, नहीं, इमरान खान साहब ने ये बात का जरूर इंदिया दिया है कि जो लोग पुलिस की ड्यूटी कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे। हम सब लोगों को नोट कर रहे हैं, सब लोगों की बातचीत हमारे सामने है और हमारी ये पुलिस से दरखास्त है कि वो इनके साथ तावन ना करे। तो बजाहिर तो अभी स्टेट के अंदर रह के स्टेट इस तरह काम नहीं कर सकती, क्योंकि जाहिर है अब कितने लोग हैं जो इमरान खान साहब की कार के ऊपर उनके साथ शामिल होंगे। पुलिस की तादाद तो हजारों में है, 5-6 हजार पुलिस लाहौर के अंदर लगी हुई है, 5-6 हजार सिला शेखुपुरा के अंदर लगी हुई है। ये बताइए तसादम का कोई खतरा है? देखिए, जिस तरह आज ये सिचुएशन बन गई है कि लोगों के अंदर बहुत गम और गुस्सा पाया जा रहा है, सुबह 7:30 बजे से लेकर और 10 बजे तक जो है वो कंटेनर्स लगा के सगिया पुल, लावी का पुल और तीसरा जो है वो पुल जो क्रॉस करता है शहर दूसरे शहर जाने के लिए वो बंद किया गया। उसके बाद जब लोगों ने इतराज किया, नारेबाजी की है, तो उसके बाद 1 घंटे के लिए पुल को थोड़ा सा खोल दिया गया। लेकिन जब जैसे ही दोबारा 12:15-12:30 का टाइम हुआ तो फिर तमाम अतराफ की ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। अच्छा, ये बताएं सर के ये बताएं कि इमरान खान की जो इमरान खान के जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं या कम हो रहे हैं इस वक्त? देखिए, इमरान खान के साथ इस वक्त एक तादाद है, देखना ये है कि वो कल किस तरीके से वहां पहुंचती है। जो जलसों में और प्रोग्रामों में जो लोग शामिल होते थे वो तो खासी तादाद में उसके साथ शामिल होते थे, आप देखना ये है कि वो कल किस तरीके से 3 बजे वहां पहुंचते हैं। जबकि इमरान खान साहब ने खुद इस खैबर पख्तूनख्वा से जो रैली निकलनी है उसके मतलब ये कहा है कि मैं उसकी खुद क्यादत करूंगा और 3 बजे निकलूंगा। पंजाब की तरफ से जो रैली निकलेगी वो शफकत महमूद साहब की क्यादत में निकलेगी। अच्छा सर, ये बताइए कि बाहर ये खबरें चल रही हैं यूरोप और दूसरी दुनिया में कि खाना जंगी बिल्कुल तैयारी में बैठे हुए हैं और किसी वक्त कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, आप भी इस तरह की खबरें सुन रहे हैं पाकिस्तान में? हेलो जी, वैसा ही हो सकता है। जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर हमें फोर्स नहीं रोका गया तो हम आगे से मदामत करेंगे। हम हर सूरत में अपने कप्तान के साथ जाएंगे और कप्तान के साथ वहां पर धरना देंगे, जब तक हमारे कप्तान कहेंगे हम वहीं पर बैठेंगे। तो अगर उनको रोका गया तो जाहरी बात है वो आगे से मदामत करेंगे। फिर स्टेट के अंदर और तरीके इंसाफ के जो लोग हैं उनके अंदर आपस में जरूर तसादम होगा। चले, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत थैंक यू। नाजी, अब चलेंगे गुजरांवाला, वहां की सूरत हाल जानते हैं। नाजी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुजरांवाला हम जाना चाहते थे मगर रब्ता नहीं हो सका, मिलते हैं नए प्रोग्राम में। प्रोग्राम हालात हाजरा, देखने वालों की खिदमत में आदाब। नाजी,
पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर बंद कर दिए गए हैं, 400 लोग तकरीबन गिरफ्तार हो चुके हैं। आज रात फिर पुलिस जो है वो छापे वगैरह लगाएगी, मगर मेरा ख्याल है कि कुछ भी उनको हासिल नहीं होगा, आम पब्लिक को वो पकड़ रही है। जिस मुल्क में 22 करोड़ आवाम हो, वहां से अगर 400, 500, 600, 1000, 10000 लोग भी पकड़ लिए जाए तो मेरा ख्याल है कि फायदा कोई नहीं। एक तो ये आपको बता देते हैं, दूसरा ये है कि जो लोग भी पुलिस वाले इस वक्त लोगों के घरों में छापे लगाने जाते हैं, आपके इलम में है, कल एक पुलिस वाले को हलाक कर दिया गया और गलती वहां पे पुलिस वाले की तो नहीं थी जिन्होंने भेजा, ना उनके पास कोई वारंट गिरफ्तारी कोई तरीका कार होता है और कोई वक्त होता है। अगर आपने किसी को गिरफ्तार करना है तो सुबह का वक्त है, शाम का वक्त है, ये तो नहीं आधी रात को आप लोगों के घरों में जाएं। और फिर वहां पे कोई कातिल तो मौजूद नहीं थे जिनको आप पकड़ने के लिए आधी रात को गए। तो ये शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो दोनों बाप बेटे हैं, इनके ऊपर ये कत्ल जो है मेरा ख्याल है पढ़ना चाहिए। और अब आज रात को जो भी पुलिस वाले वहां पे जाएं, वहां किसी के घर जाने से पहले जरा देख लें कि ये ना अंदर से फिर फायरिंग आए और फिर ये खबर आ जाए 5 बच्चों का बाप था, 4 बच्चों का बाप था। तो बेहतर ये है कि ये पुलिस वाले जो है इनको कोई ऐसा तरीका क्या अख्तियार करना चाहिए जो कानूनी हो, गैर कानूनी काम में गवर्नमेंट के साथ भी जो ये तावन कर रहे हैं इनकी मजबूरी तो है, मगर मेरा ख्याल है कि जो हमारे पास इतला है काफी बड़ी तादाद में जो पुलिस वाले है वो इमरान खान के साथ है। और कल जो भी आप देखेंगे एक नया ड्रामा सामने आएगा और वहां पुलिस वाले जो है वो इमरान खान के साथ मिल जाएंगे। जो लोग अंडरग्राउंड है इस वक्त उनको बकायदा तौर पर ये पुलिस वाले इतला देते हैं और उनको बता देते हैं कि हमने फलां जगह आ जाना है, फलां जगह आना है। और ये कल से यही ड्रामा चल रहा है और पुलिस वाले क्योंकि इमरान खान की टीम का हिस्सा बन चुके हैं, तकरीबन इनके बीवी बच्चे जो है वो उस जुलूस में शिरकत भी कर रहे हैं, जलसे में आजादी मार्च के, तो इसलिए अब मैंने कल भी आपको बता दी थी खबर जो थी आपके इलम में है, कल 300-400 पता नहीं कितने घरों पे छापे लगे, तो वहां पे जिन लोगों को ये पकड़ने गए उनमें से कोई भी मौजूद नहीं था, उनके मुलाजमीन पे तशद्दुद किया, ये थोड़ा बहुत ड्रामा करना पड़ता है इनको। एक और चीज जो सामने आई है वो है जनाब के जो कंटेनर इन्होंने सड़कों पे लगाए हैं, ट्रक एंड कंटेनर जो जो भी है रुकावटे, उसके लिए भारी मशीनरी का बंदोबस्त किया गया है। जुलूस के साथ भारी मशीनरी होगी जो कंटेनर को उठा के फेंक देगी साइड पे और रास्ता क्लियर होता जाएगा, और भारी तादाद में इस तरह की मशीनरी जो है उसका इंतजाम जिसकी हमारे पास इतला है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई राना सनाउल्लाह अकेला इसलिए नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सका कि उसको पता था कि ये बहुत बड़ा मामला है और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं ये लोग, तो उन्होंने उन लोगों को भी साथ बिठा लिया जो इनके साथ बैठकर कुछ ना कुछ उनको भी कहा कि आप भी बोल दे कल को जो भी कुछ हो हमारे सर पर ना अकेले पड़ जाए, मगर इनके चेहरे बता रहे थे कि ये परेशान है और इनको समझ खुद नहीं आ रही कि करना क्या है। एक चीज और सामने आई कि अदालतों ने कहा जी हाई कोर्ट ने कि जो पीटीआई के जो भी रुकन है जो भी लोग हैं उनको गिरफ्तार ना किया जाए, मगर ना तो पहले कभी नून लीग ने अदालतों की मानी और ना अब ये मेरा मानेगी, कल शेख रशीद को भी अदालत में पेश होने का हुक्म दिया और वहां पे कहा गया कि अदालत में उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यानी कि बाहर निकलेगा तो हो सकता है उसे गिरफ्तार किया जाए। अब देखते हैं शेख रशीद क्या इसका तरीका कार ढूंढता है और किस तरह वो अपने आपको बचाता है। नाज़रीन, औरतें बच्चे बूढ़े सब जवान जितने भी हैं वो इस वक्त अपने जो इमरान खान है उसकी कॉल का इंतजार है कि कल कितने बजे हमने वहां पहुंचना और पूरी तैयारी है। अच्छा, एक और अजीब बात मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है इनके जेहन में होगा कि वो जमानतें वगैरह करवाने के लिए अदालतों में जाएंगे, उन्होंने किसी ने इस तरह तवज्जो नहीं दी,
उनके हौसले बुलंद है, वो कहते कोई बात नहीं, वो गिरफ्तार हो गए तो हम खवातीन निकलेंगी जुलूस के साथ, बच्चे लेके निकलेंगे। और यहाँ पे एक और हुकूमत के लिए परेशानी बनी है, उनके जहन में था कि ये लोग परेशान होंगे, दालतों के चक्कर लगाएंगे, भाग दौड़ करेंगे, मगर किसी ने इसमें दिलचस्पी नहीं ली। इसके अलावा ये भी आपको बता देते हैं कि कल बड़ी तादाद में वकला जो है वो भी साथ निकल रही है, और जो रिटायर्ड ये फौजी हैं उन्होंने भी इमरान खान की हिमायत का ऐलान किया हुआ है, और वो भी साथ दल से जुलूसों में शिरकत करेंगे। नादरीन, इस वक्त 22 करोड़ की जो आबादी है पाकिस्तान की, या जितनी भी है, उसकी अक्सरियत जो आप लगा लें 80% जो है वो इमरान खान के हक में है। 20% जो उनमें मुख्तलिफ पार्टियों से जो लोग तल्लक रखते हैं वो इस वक्त वफादारी के लिए उनके साथ है। और मरियम ने आज यार भाई का माइक उठवा दिया वहां से, और इसने कहा जी वो जो कत्ल हुआ है पुलिस वाला, ये जुल्म हुआ, जब 14 कत्ल हुए थे तो उस वक्त इन लोगों की जुबानों पे फालिज गिरे हुए थे, आज तक कोई अदालत इनको ना पकड़ सकी, ना कोई केस चला सही तरह। अगर आप अदालतों की बात करें तो आज जो कुछ भी हुआ या होने वाला है, खून खराबा, उसकी अगर मेरे से पूछे तो सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी अदालतों की थी। उन्होंने इन मुजरिमों को सजा नहीं दी, उन जज हजरात को भी कटारे में लाया जाएगा जिन्होंने फैसले नहीं किए और जो इनकी हड्डी के ऊपर पलते रहे, उन पुलिस वालों को भी लाया जाएगा। ये सब का इम्तहान ऐसे होने वाला अब कि आप देखेंगे कि अक्सर जो है इनमें जेलों में जाएंगे। एक और चीज है कि आपके इलम में है कि अक्सर अदालतें और दूसरे जो लोग हैं वो नून लीग ने लगाए हुए हैं वहां पे, और वो नून लीग की बात मानते हैं, उनकी मजबूरी समझे, मगर अब मेरा ख्याल उनके भी माइंड चेंज हो रहे हैं जब से आपके इलम में है कि वो जो FIA का एक डायरेक्टर था उसे हार्ट अटैक हो गया, दूसरे को भी एक तो जिंदगी से चला गया। तो इन लोगों को ये पुलिस वाले भी समझ चुके हैं, वकला भी समझ चुके हैं, जज भी समझ चुके हैं, उनकी मजबूरी है। अब देखते हैं अवाम इनके साथ किस तरह साफ करेगी, कंटेनर है जो चीजें भी है रास्ते में रुकावट है उन सबको हटाने का है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, हो सकता है वहां पे कुछ ऐसे मामला भी हों कि अगर ये पुलिस के कुछ लोगों ने, रेंजर्स ने आंसू गैस वगैरह इस्तेमाल की तो फिर खून खराबा जो है वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उसकी जिम्मेदारी राणा सनाउल्लाह और ये जो अपने वजीर आजम साहब हैं, अच्छा वजीर आजम के रंग उड़े हुए हैं, उसको पता ही नहीं कि बेचारा वो किस मुसीबत में इस वक्त पड़ा हुआ है। जरदारी बैठा जिस तरह मैं बताता हूँ तमाशा तो देख रहा है, और ये समझ उनको उसको भी नहीं आ रही कि जनाबे अली अब इस मामले को किस तरह हल किया जाए। ऊपर ऊपर से ये बोल रही है सब मिलजुल के, मगर मेरा ख्याल है कि इनके पास अब वक्त बहुत काम है, उन लोगों के पास भी बहुत वक्त काम है जिन्होंने इस जालिम माशरे का साथ दिया और आज तक इस कौम को घुमरा रखा। अवाम समझ चुकी है, अवाम जान चुकी है कि ये हमारे दोस्त नहीं है, हमारे ये दुश्मन है। एक तरफ इनका एक और प्रोग्राम था कि चीजें सस्ती करेंगे और उस तरह के ऐलान भी शुरू किए हुए, मगर इस वक्त कौम को किसी चीज से दिलचस्पी नहीं है। इस वक्त कौम जो है वो एक ही चीज चाहती है कि इनकी सफाई होनी चाहिए और आपके इलम में होना चाहिए। कोई भी मुल्क को जब वो एक कौम बन जाते हैं तो उनका मुकाबला बड़ी से बड़ी ताकत भी नहीं करता। आपके इलम में है अंग्रेजों ने कितनी देर पाकिस्तान हिंदुस्तान गवर्नमेंट की और इन लोगों को बेचारों को डरा डरा के मारा, मगर अब नौजवान, मैंने कुछ प्रोग्राम देखे सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा जी हमने सर पे कफन बांध दिया है, किसी ने कहा कि मेरी जान भी इमरान खान के लिए है। तो जब ये चीजें नौजवान नस्ल में पाई जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि उन्होंने अब आजादी का तहिया कर लिया, उनको कोई रुकावट भी नहीं रोक सकती और कोई भी उनके रास्ते में रुकावट आएगी तो उसे वो हटा देंगे। ख्वातीन बच्चे ये सब जो है
इनमें जज्बा है और ये चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द इस गवर्नमेंट को रुख्सत करें और इनके ऊपर मुकदमा चले। अगर कोई पता नहीं अब आने वाले वक्त में क्या हालात होते हैं, अगर तो श्रीलंका वाले हो गए तो शायद मुकदमात की भी जरूरत ना पड़े और इधर ही कोई मसाइल जो है हल हो जाए या चाइना प्रोग्राम चले, ये आपको चंद दिन में आप पता चल जाएगा। पाक फौज खामोश है और वो देख रही है कि तमाशा अच्छा लगा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो चलना चाहिए मुल्क में। नाज़रीन जुड़े रहे हमारे साथ और हमारे प्रोग्रामों को सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रोग्राम आजकल है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन प्रोग्राम आज मुबारक के साथ, जैसा कि काफ़ी दिनों से ये शोर था कि पाकिस्तान में हालात ख़राब होने वाले हैं और वही हुआ जिसका डर था, आगाज़ हो चुका है। रात पुलिस ने छापे लगाए, आज दिन में भी लोगों की पकड़ धकड़ शुरू है, लोगों को नामालूम मकाम पर लेके बंद किया जा रहा है। अब मसला ये हुआ है कि नून लीग कह रही कि पीटीआई वालों के पास असला है और ये इल्जाम पीटीआई पे लगे हैं। दूसरी तरफ अदालतों में लोग भागदौड़ कर रहे हैं, कोई अपना हाईकोर्ट में, कोई सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रहा है। जहां तक वफाकी गवर्नमेंट है, जो आपके इलम में है कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, वो जबरन हर चीज रोकने के लिए तैयार है। कंटेनर लगाए गए हैं और वहां पे लोगों को आने जाने के लिए मुश्किलात का सामना है, पूरे पंजाब को बंद किया गया है। अब मैं बताता हूं कि मेरा ख्याल है कि इमरान खान आज से किसी वक्त या रात को ये ऐलान शायद कर दे या सुबह कर दे कि अपने शहरों में निकल आओ, और इससे ये होगा कि फिर जो इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकेंगे उनके लिए, ख्वातीन के लिए, बच्चों के लिए जो है वो आसानी पैदा हो जाएगी। ये मेरा ख्याल है उसका जो नेक्स्ट जो ऐलान आने वाला वो ये है। हो सकता ना आए, मगर हालात ये बता रहे हैं जिस तरह बंद किया गया पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे, कराची में भी छापे, हर जगह पे दफा 144 लगा दी गई है। अब गवर्नमेंट का ये कहना है जनाब के अमन अमान की सूरत हाल खराब होने वाली, हम आवाम के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, मगर कल उकाड़ा जलसे में इनके कोई आवाम नहीं आई, वहां खुद पानी छोड़ा गया, ऐसी वीडियो सामने आई है। यहां से आप अंदाजा लगाएं कि गवर्नमेंट फेल हो चुकी है पंजाब गवर्नमेंट का, वैसे ही आपके इलम में जो हालात है। अब ये जबरन सब कुछ करना चाहते हैं, फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस वक्त ये सब कुछ देख रहे हैं, लोगों की नजरें उन पर लगी हुई हैं, लोग बता नहीं रहे, और जो इल्जाम आ रहे हैं कि जिन लोगों ने ये पैसे लिए हैं और मुल्क को बर्बादी की तरफ लेके गए हैं, उनमें बड़े बड़े नाम भी हैं। अब देखना ये है कि वाकई जो दुश्मन चाल चलना चाहता था वो कामयाब हो गया। मेरा ख्याल है कामयाब हो गया। जो लोग कह रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं होगा, वो या तो जाहल है या वो जानबूझ के ये चाहते हैं कि सब कुछ यहाँ पे हो जाए। जो मेरी बातचीत मुख्तलिफ लोगों के साथ हुई है, उन्होंने बताया कि हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं, हम ये आज़ादी की जंग जो है ये जीतेंगे। इसमें अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कसूरवार कौन है। आज के हालात के कसूरवार सबसे पहले अदलिया है। अदलिया ने जब अरबों रुपये के जो चोर चक्के थे उनको जमानतें दे दी, जो गरीब थे उनको घरों में बांध रखा, गरीब तो पहले ही मरा हुआ है, मैंने आपको बताया, तो वहां पे अदलिया का भी हिसाब होगा। यहाँ पे ऐसे इदारे भी शामिल हैं जो सब कुछ देखते हुए भी खामोश रहे, उनके साथ भी अवाम जो है वो अपना हिसाब किताब करेगी। और ये चीजें आप देखते हैं कि अभी तो एक पुलिस वाले की इतला जिस तरह मैंने बताया, तो जिसके घर में जाएंगे असला हर एक के पास है, लाइसेंस है, अगर वो फायरिंग करेगा तो पुलिस वाले बेचारे जो है वो जान से जाएंगे। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि पुलिस भी जो पंजाब में है आपके इलम में है कि वो जहनी तौर पर गुलाम पुलिस है और उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल किया जाए, इदारे भी इनके गुलाम है, मगर अब इनकी पावर खत्म हो चुकी है। शहबाज शरीफ एंड कंपनी, नवाज शरीफ एंड कंपनी, ये अब देखना ही कि कितने दिन ये चलेंगे, कितने दिन तक ये जंग चलती रहेगी मुल्क में। और हो सकता है ये जिस तरह सोशल मीडिया पे देख के वीडियोस लोग सोच रहे हैं कि लोगों की औरतें महफूज नहीं है, बच्चियां महफूज नहीं है,
तो फिर इंतकामी कार्रवाई भी दिल में उठती है। पाकिस्तान के हालात काफ़ी परेशानी की तरफ जा रही हैं। लोगों ने जिन्होंने सफ़र करना था वो भी रुक गए हैं। फौज, रेंजर्स, जो जो जिन्होंने बुलाना है वो बुलाने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह इस लॉन्ग मार्च को रोका जाए, और एंड पे ये सब गायब हो जाएंगे, मुल्क छोड़ के भाग दौड़ जाएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च जो हमारे जराये बता रहे हैं कोई रुकने वाला नहीं। अगर इन्होंने सख्ती की तो मेरा ख्याल आवाम फिर इनके साथ पहले हिसाब करेगी, इनके घरों का रुख करेगी। जाती उमरा की भी हमारे पास इतला है कि उधर का भी रुख किया जाएगा। जिस तरह इनके लीडर इस वक्त पीटीआई के घरों में नहीं है, ये भी गायब हो जाएंगे। पुलिस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, मैं जिस तरह बताता रहता हूँ, वो देखेगी किस तरह हवा का रुख है, उस तरफ हो जाएगी। मगर ये सबका कसूरवार कौन है, सवाल फिर यही है। तो ये हालात बने हो, एक तो ये मैं आपको बता दूं, हमें बड़े लंबे लंबे मैसेज आ रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं इतने लंबे मैसेज सुनने का। बड़ा मुख्तसर मैसेज दें हमें, किसी ने भी रिकॉर्डिंग भेजनी है तो चंद लफ्जों की, और वही प्रोग्राम में शामिल की जाएगी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम छोटे ताकि बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करें, लम्हा ब लम्हा आपको खबरें मिलती रहेंगी हमारे चैनल से। हालात हाजरा में मुकम्मल रिपोर्ट दी जाएगी, सब्सक्राइब करें।